सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित नगड़ा ऐसा ग्राम है जहां पर किसानों द्वारा लगभग 50 एकड़ में लगातार कई सालों से फूलगोभी की खेती करते आ रहे हैं, जिसमें पैदावार भी काफ़ी अच्छी होती है, जहां से कई जिलों से लेकर राज्य तक इनकी सब्जी जाती है, जिससे किसान को लगभग लाखों का मुनाफा हो जाता था। पर इस साल किसानों को न अच्छी खेती हो पाई और न ही अच्छी मुनाफा, जिसका मुख्य कारण रहा पानी और सही बीज का नहीं मिलना, जिस कारण सही तरीके से किसानों का खेती नहीं हो पाई, सारे पौधे सड़ गए, साथ ही गलत बीज के कारण पौधों में फल अच्छी नहीं लगी, जिससे किसान बहुत मायूस हैं। बालूमाथ से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड स्थित नगड़ा ग्राम में आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार किसानों के द्वारा कई सालों से यहाँ पर खेती की जा रही है और ज़्यादातर खेती यहाँ पर जो है गोभी मिर्चा और चीज़ की जाती है, जो हमेशा यहाँ के किसान इस पर लगे हुए हैं और यहाँ के किसानों के द्वारा इन खेती कर यहाँ का जो गोभी है उनको बाज़ार में भेजा जाता है, साथ ही बाहर भी लगातार भेजा जाता है। आइए किसानों से पूछते हैं कि जो यहाँ पर जो लगातार गोभी की खेती करें उनसे इन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है। इन सब जो किसान हम लोग की खेती करते हैं किए हैं, बहुत नुकसान है, पूरा जड़ गल रहा है और फल छोटा छोटा दे रहा है, इसलिए किसान के इंसान घाटा है, कोई फायदा इंसान नहीं है। आगे साल करते आ रहे तो आपको क्या इसमें बेनिफिट नजर आ रहा है? जो आगे साल करते थे इंसान से बहुत कमजोर है कि खेती है। कितने एकड़ में आप लगाए हैं? हम वही लगभग 1.5 एकड़ में लगवाए हैं। क्या स्थिति है? बहुत मतलब पहले की स्थिति बहुत कम है, वह जड़ गल रहा है और फूल छोटा छोटा दे रहा है। इन्हें आप कहाँ तक, जो गोभी है इसको आप किस क्षेत्र में बेचते हैं ज़्यादातर? वही जैसा पैदा किया उस हिसाब से नहीं बिक रहा है, भाव कम बिक रहा है, फल रहता है बड़ा तब ना कि दाम लगेगा, फल छोटा छोटा है दाम कम लगता है। उनके द्वारा इस बार जो खेती में काफ़ी नुकसान नजर आ रहा है लोगों का, कि जो खेती जो किए हैं गोभी का वो फल ज़्यादा बड़ा नहीं हो पा रहा है, पेड़ भी कि जो जड़ें हैं वो सूख जा रही है और गल के गिर जा रही है, जिससे किसान इस बार काफ़ी इनको जो पहले के पूर्व के भांति जितना फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है और बहुत जो है वो नुकसान भी हो जा रहा है। आइए अन्य किसानों से पूछते हैं कि उन्होंने जो खेती की है इस बार उन्हें कितना फ़ायदा मिल पा रहा है, किस तरह का खेती में जो किए हैं वो कैसी खेती उनके द्वारा किया गया है। फ़ायदा क्या होगा, ये मौसम के अनुसार से हम लोग के तो इतना नुकसान हुआ है कि कहना था है। गोभी हुआ फसल दिखता है अच्छा, मगर ज़्यादा गलन निकलता है। पिछले साल जो खेती आप किए थे और इस बार खेती की क्या अंतर पड़ रहा आपको? हर साल जो भी था ठीक था, इन साल तो और एकदम पूरा अच्छी है, पूरा गल रहा है। कितना कम आप लगाए थे आपको क्या पूरा गोभी गल जा रहा है तो पूरा फसल में एकड़ हम लोग जमीन नहीं लगाते हैं। क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब किस तरह गल जा रहा है, गलने का क्या कारण पता चल रहा है आप लोग को? हम लोग किसान है तो अब अपना मिट्टी जांच कराएंगे तभी तो पता चलेगा। इसमें देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आज पौधा अभी लगाया गया है, अब देख रहे हैं कि किसान के द्वारा लगाया गया है और एक गोभी में पूरा फूल नहीं लग पा रहा है इसमें, और इनके जो जड़े हैं वो जो पूरी तरह से सड़ जा रहे हैं। देखिए अंदर पूरा इसमें अब दिखा रहा है कि पूरा सड़ जा, अंदर के जो जड़ है पूरी तरह से सड़ जा रही है, इस कारण यहाँ पर जो है तो फल पूरी तरह से नहीं लग पा रहे हैं और जो किसान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ज़्यादा किसान को नुकसान हो जा रहा है, किसान काफ़ी चिंतित है कि जिस तरह से जो खेती करते थे जितना मुनाफा हो पाता था वह नहीं हो पा रहा है, और वो क्या देखते हैं कि आगे क्या इस पर संज्ञान सरकार लेती है कि जो किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो इस पर क्या भरपाई इन लोग मिल पाती है या नहीं।